मोदी जी, आप जब रुपया गिर रहा था, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप अपने गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। आज रुपये का वैल्यू क्या है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कल उत्तर दीजिए। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे नीचा वैल्यू किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ। यह भी आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री जी, 79 रुपीस यूएस डॉलर के प्रति आज हमारा रुपी के वैल्यू है 79 रुपीस। अरे बाप रे, ये देश का हालत को बता रहे, आपका कितना महान एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका ये नतीजा है। आप ही कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूं भाई, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता? हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी, आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता? हम भी आज जानना चाह रहे हैं, देश जानना चाह रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री के समय में इतना नीचे नहीं गया रुपी वैल्यू जितना आपके समय में जा रहा है। और फिर भी आप बोलते हैं आपका ढोल बजाओ। मोदी जी, मैं एक बात पूछता हूं, 100 साल के लिए, 100 साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में भगवान हो या प्रकृति हो दिया हुआ संपत्ति है कोयला, 100 साल के लिए। और भी जियोलॉजिकल सर्वे से और भी निकल रहा है, हर साल 5 मिलियन टन से लेकर 5000 मिलियन टन से लेकर 10000 मिलियन टन का कोयला निकालता है जब सर्वे करते हैं। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? दीजिए कल उत्तर दीजिए, कल आपके भाषण में कहिए, ताकि देश जाने क्या मजबूरी है। आप मजबूर है आपके साहूकारों को हेल्प करने में, आप तो है मजबूर, राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया, आप जो मर्जी कर लो। क्योंकि हमारा एक इतिहास है, कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कॉलरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4000 के अंदर एक टन मिलता है, मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30 हजार का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके। क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके साहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हां बिल्कुल, हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है, आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पर हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए, कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। लेकिन क्या हो रहा है इस देश में आज? जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में देश को खामोश नहीं रहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, सबको एकत्रित होना चाहिए और एक परिवर्तन, परिवर्तन ऐसा वैसा नहीं, एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन। वी नीड टू ब्रिंग इन ए क्वालिटेटिव चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स, इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन टुडे। आज के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज हैदराबाद आने वाले हैं, 2 दिन के लिए यहां रहने वाले हैं, गला फाड़ फाड़ के हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं,
कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, जो जिसके समझ में आए बोले, जो जिसको कहना है कहे, यही हमारा लोकतंत्र का मान्यता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पर गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार चुने गए थे, जनता के साथ कई आश्वासन दिए थे, कई प्रॉमिसेस किए थे, एक भी, कम से कम एक भी आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या? हम जानना चाहेंगे तो किया है तो किस वादा आपने पूरा किया? एक भी, कम से कम एक भी टॉर्च लाइट डाल के भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, सारे देश कह रहा है।